कॉलेज जिंदगी से जुड़ी हुई वेब सीरीज कॉलेज कांड की स्पेशल स्क्रीनिंग गुरुग्राम के एपिक्स सेंटर में की गई। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक राजेश बब्बर और प्रवेश राजपूत द्वारा बनाई गई वेब सीरीज की स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों की तालियां रुक नहीं पाई। जहां स्टेज ऐप की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान बॉलीवुड के मशहूर कलाकार यशपाल शर्मा ने एक बार फिर अपने बेहतरीन किरदार को जीवंत करते हुए मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। पहली बार हरियाणवी वेब सीरीज में स्टेज ऐप के प्लेटफॉर्म पर काम करने के दौरान यशपाल शर्मा काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने कहा कि हरियाणा में कॉलेज लाइफ में कई कांड होते हैं और कॉलेज कैंपस में होने वाले कांड में एग्जाम पेपर लीक, रैगिंग, नशे और गुंडागर्दी जैसे कई बुराइयां देखने को मिलती है। सच्ची घटना पर आधारित पर वेब सीरीज कॉलेज लाइफ की बुराइयों पर करारा कटाक्ष है और युवाओं के लिए एक सबक भी है कि जीवन बड़ा अनमोल है और शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। काफी कुछ पहलू इस वेब सीरीज के हर किसी को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर रहे थे। आइए सुनते हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता यशपाल शर्मा ने इस खास मौके पर क्या कहा। इस कांडे आज जो है स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और क्या कॉन्सेप्ट है, हरियाणा में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, खास तौर पर इस बार जो है आपकी तरफ से मुख्य भूमिका में भी आप नजर आ रहे हैं फिल्म में, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, पहली बार मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ स्टेज ऐप के लिए, जिसमें क्योंकि काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी लेकिन मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आ रहा था, तो ये पहली बार है। जो प्रवेश राजपूत ने लिखा है, राजेश बब्बर ने डायरेक्ट किया है, इसी को जैसे ही मैंने पढ़ा था, करना तो था ही हमको काम राजेश जी के साथ, प्रवेश जी के साथ हमने पहले बोला था बात करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं 100% श्योर हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी, इतनी टाइट और इतनी इंटेंस स्क्रिप्ट बहुत टाइम के बाद मुझे लगा कि है। और सब लोगों को, मेरा अकेले का नहीं, एक एक करेक्टर इसमें निकल के आते हैं, छोटे से छोटे रोल भी बहुत कमाल के निकल के आ रहे हैं और इतने अच्छे से शूट किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये मतलब छोटे रूप में, ये बहुत विशाल एक वेब सीरीज लगती है जिसमें जो इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज हो सकती है उस तरीके की, तो बहुत ही कमाल की टीम है। हमारे हरियाणा के सारे तीन जो एक्टर हैं सारे के सारे कास्टिंग हुए हैं और कास्टिंग जिस तरीके की कास्टिंग हुई है और जिस तरीके के लोग हैं, सारे थिएटर के एक्टर हैं, मंझे हुए कलाकार हैं मैक्सिमम लोग, और बड़ा ही टाइम के बाद मतलब लगान, दादा लक्ष्मी, गंगा जल, अपहरण के बाद एक ऐसी टीम मिली है जो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और टीम जिसकी भी, जहाँ भी टीम अच्छी हुई है वो फिल्म कमाल बनी है, वो वेब सीरीज कमाल बनी है, वो बिल्कुल सेम हाल इसका है कॉलेज का। सर, कॉलेज कांड के बारे में थोड़ा बारीकी हम जानना चाहेंगे, किस प्रकार से इसकी थीम रखी गई है और खास तौर पर दर्शक क्यों इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे या स्टेज ऐप पर जाएं? नहीं देखिए, स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेपर चुराना, मतलब पढ़ाई ना करना हो, ड्रग्स हो, शराब हो, लड़कियाँ हो, रैगिंग हो, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके भी किस तरीके से बच्चा गलत राह पे चला जाता है, और छोटी छोटी गलतियाँ कितनी बड़ी गलतियाँ टाइप की, और बाकी इस सीरीज की जो डिटेल में अगर कुछ बात करेंगे तो मैं राजेश बब्बर जो डायरेक्टर हैं उनसे कहूँगा कि ये बताएं थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि ये कैप्टन ऑफ द शिप हमारे राजेश बब्बर जी हैं। सर, एक लास्ट आपसे सवाल है कि हरियाणवी संस्कृति को किस स्तर पर आप देखते हैं, क्योंकि एक दौर था जब हरियाणवी संस्कृति को उठाने का प्रयास जरूर हुआ लेकिन बार बार दफन होती चली गई, लेकिन अब एक नया सिरा आया, एक नया दौर आया, अब एक बार फिर हरियाणवी सिनेमा उठ रहा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं पगड़ी फिल्म को, पगड़ी सतरंगी को टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। बेशक वो फिल्म फ्लॉप हो गई, मतलब हॉल में लोग नहीं देख पाए ज़्यादा लोग, लेकिन फिर भी वो जो मैं उसको टर्निंग पॉइंट मानता हूँ कि एक क्रांति बीज गिरा जो दोबारा से, मतलब लाडो सांझी के बाद की बात, चंद्रावली, ये सब पिछली बात हो गई, लेकिन उसके बाद लंबे गैप के बाद पगड़ी सतरंगी को मैं बिल्कुल वो मानता हूँ, छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती, जिस तरीके से डेवलप हुआ है सिनेमा, और अभी दादा लक्ष्मी भी आ रही है, और स्टेज ऐप में भी बहुत सारी, चाहे ग्रुप डी हो, अखाड़ा हो, बहुत सारे कमाल कमाल की सीरीज बन रही हैं, अच्छी चीज़ें अब स्वीकार की जा रही है, और जो चीज़ अच्छी होती है वो पब्लिक स्वीकार करेगी ही करेगी, और ये मेरा दावा है कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर हरियाणवी सिनेमा की जो छवि है
वो पूरी दुनिया के अंदर एक नाम रखेगी और छाएगी, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं और कंपटीशन की भावना बढ़ रही है पॉजिटिवली कि मैं उससे अच्छा बनाऊंगा, मैं उससे अच्छा बनाऊंगा, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से जितने भी काम हो रहे हैं वो सब लोग यही सोच रहे हैं कि पिछले वाले से अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है, तो उस चक्कर में और ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, जो कि बहुत कमाल की बात है। कॉलेज कांड वेब सीरीज में हरियाणा और बॉलीवुड के नामी कलाकार योगेश भारद्वाज, कुलदीप शर्मा डायरेक्टर संदीप शर्मा, सतीश कश्यप, मोहन कांत, कुलदीप सिंह कृष्ण मालिक, अल्पना सुहासिनी, विनय छोकर, जयंत कटारिया समेत हरियाणा के 45 कलाकारों ने वेब सीरीज में काम किया है। मात्र 17 दिन में फिल्म की शूटिंग पूरी कर अब OTT प्लेटफॉर्म स्टेज पर रिलीज हो रही है। वही रामफल बल्हारा ने पूरी वेब सीरीज का प्रोडक्शन संभाला है। हरियाणवी कलाकारों को रोजगार और मंच देने के पीछे विनय सिंगल, शशांक वैष्णव, परवीन सिंगल और कार्तिक रेड्डी हैं। इन्हीं की बदौलत आज हरियाणा में नए प्रयोग हो रहे हैं और हरियाणवी मंच पर अब बॉलीवुड भी शिरकत कर रहा है। आइए अब सुनते हैं राजेश बब्बर को, जो निर्देशक है और राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित है, उन्होंने इस खास मौके पर क्या कहा, और साथ ही साथ आपको सुनाते हैं विनय सिंगल को, जो संस्थापक है स्टेज ऐप के, उन्होंने इस खास मौके पर क्या कहा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये आज जो माहौल बना है यहाँ पे और ये स्क्रीनिंग को देख के, मेरा एक्सपीरियंस जो एक अच्छी जब स्क्रिप्ट होती है तो टीम अपने आप ज्वाइंट हो जाती है। मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ और पिछले 27-28 साल से मुंबई में सेटल हूँ, तो लेकिन यहाँ पे जानता तो हूँ लोगों को, एक जो लोग जो आर्टिस्ट यहाँ काम करना चाहते हैं, जो मुंबई इंडस्ट्री में आके काम करना चाहते हैं, कितने लोग मुंबई ऑलरेडी जा चुके हैं लेकिन उनके प्रदेश में ही, उनके उनकी सिटी में ही अगर इस तरह का अगर सिनेमा लाया जाए तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक स्टेप हो सकता है। जो स्टेज ऐप ने अभी शुरू किया है, स्टेज ऐप ने यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के टेक्नीशियंस को मौका देने की जो शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों को, ये टीम को जोड़ के बहुत अच्छा लगा और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतने सारे कलाकार मिले, वो एक के बात बोले जी रोजगार मिल गया, काम मिल गया, और मतलब प्लेटफॉर्म नहीं था, आज के दिन प्लेटफॉर्म मिल गया, साथ में पैसे मिलते हैं, साथ में मतलब इज्जत मिलती है, वो अलग है, तो बहुत दिल राजी हो जाएगी भाई। हाँ, अपने लोगों ने उनकी कला के प्रति सम्मान मिलने लग रहा है और उसके प्रति वो उसने एक अपना जिंदगी गुजारने का जरिया बना पाने लग रहे हैं ना, कि कला नहीं तो कला है ना एक साइड वो है करती कि भाई आपने तो कोई कला कर ले तो के तो उसने कदे भांड के दें के उसने कदे जोड़ा ठा लिया, ये भी इसका तो किमें नहीं होना, ठीक है, जो कलाकार है उसका ब्याह नहीं होया करता अपने दौर के में नहीं तो, राइट। तो हम ये बदलना चाह रहे हैं सारा कि कला से घर चलेगा, कला आपको आगे लेके जाएगी, कला आपने सम्मान दिवाओगी, कला आपने घर घर तक पहुँचाओगे, आपने सेलिब्रिटी बनाओगी, तो यही हमारा मकसद। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर आए उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट sggdnews.com पर लॉगिन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।